सब्सक्राइब कीजिए टेक लर्निंग यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन इंस्ट्रूमेंट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ द टेम्परेचर ऑफ ए सेमी कंडक्टर इज इंक्रीज्ड देन इट्स रेजिस्टेंस विल बी, मतलब अगर किसी सेमीकंडक्टर मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो उसका इसके रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट होगा। हमारा पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए, इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ऑप्शन बी, इसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ऑप्शन सी, इसका रेजिस्टेंस आधा हो जाएगा। या फिर ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई भी उत्तर सही नहीं है। दोस्तों इसका उत्तर है, अगर हम किसी सेमीकंडक्टर मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो उसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी। What happened to the resistance if the length of conductor is increased? दोस्तों अगर किसी कंडक्टर की लेंथ बढ़ा दी जाए तो इसका उसके रेजिस्टेंस पर क्या फर्क पड़ेगा। ऑप्शन ए, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ऑप्शन बी, इसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ऑप्शन सी, इसके रेजिस्टेंस में इसकी लेंथ बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या फिर ऑप्शन डी, इसका रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा। दोस्तों इसका आंसर है, अगर किसी कंडक्टर की लेंथ बढ़ा दी जाए तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। सो इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए, रेजिस्टेंस विल इंक्रीज। विच इज द बेस्ट सुटेड एप्लीकेशन फॉर थिन डायफ्राम टेक्नोलॉजी। इन एप्लीकेशन में से कौन सी एप्लीकेशन डायफ्राम थिन टेक्नोलॉजी के लिए बेस्ट सुटेबल है। ऑप्शन ए, स्टैटिक प्रेशर ओनली। ऑप्शन बी है, केवल डायनेमिक प्रेशर। ऑप्शन सी है, दोनों, स्टैटिक प्रेशर एंड डायनेमिक प्रेशर लार्ज फ्रीक्वेंसीज के साथ। या फिर ऑप्शन डी है, दोनों, स्टैटिक एंड डायनेमिक प्रेशर विद स्मॉल फ्रीक्वेंसीज। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, दोनों, स्टैटिक एंड डायनेमिक प्रेशर विद स्मॉल फ्रीक्वेंसीज। विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड कॉन्टैक्ट लेस मेजरमेंट। इन टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में कौन सा इंस्ट्रूमेंट कॉन्टैक्ट लेस टेम्परेचर मेजरमेंट करता है। ऑप्शन ए है, थर्मो इलेक्ट्रिक पायरोमीटर। या ऑप्शन बी, इंफ्रारेड पायरोमीटर। या ऑप्शन सी, फील्ड सिस्टम पायरोमीटर। या ऑप्शन डी, ग्लास थर्मोमीटर। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इंफ्रारेड पायरोमीटर। चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन ऑफ रोटामीटर इज बेस्ड ऑन।
अर्थात रोटामीटर का ऑपरेशन किस प्रिंसिपल पर आधारित है। ऑप्शन ए है प्रेशर ड्रॉप अक्रॉस द नोजल, या ऑप्शन बी वेरिएबल एरिया फ्लो मीट फ्लो, या ऑप्शन सी डिफरेंशियल प्रेशर, या ऑप्शन डी फैराडेज लॉ। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑपरेशन ऑफ द रोटामीटर वो बेस होता है वेरिएबल फ्लो एरिया। सो सही उत्तर है आंसर बी वेरिएबल फ्लो एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोर्डन ट्यूब इज यूज्ड फॉर प्रेशर मेजरमेंट ऑफ, यानी बोर्डन ट्यूब किस मीडिया का प्रेशर मेजरमेंट के लिए यूज होता है। चलिए अपने ऑप्शन पर नजर मार लेते हैं। ऑप्शन ए है सॉलिड मीडिया ओनली, या फॉर लिक्विड मीडिया ओनली, या फिर गैस मीडिया ओनली, या ऑप्शन डी दोनों लिक्विड एंड गैस मीडिया। दोस्तों इसका सही उत्तर है जो बोर्डन ट्यूब यूज की जाती है वो इसको यूज करते हैं दोनों लिक्विड एंड गैस मीडिया के लिए। बोर्डन ट्यूब को सॉलिड मीडिया का प्रेशर मेजरमेंट के लिए यूज नहीं किया जा सकता। तो इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एलवीडीटी वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, यानी के एलवीडीटी किस प्रिंसिपल पर काम करता है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन ए है म्यूचुअल इंडक्टेंस, ऑप्शन बी है म्यूचुअल कैपेसिटेंस, ऑप्शन सी है म्यूचुअल रेजिस्टेंस, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपको बता दें एलवीडीटी जिस प्रिंसिपल पर काम करता है वो है म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए म्यूचुअल इंडक्टेंस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वुड बी द फाइनल कंट्रोल एलिमेंट इन ए कंट्रोल लूप, अर्थात किसी भी कंट्रोल लूप का जो फाइनल कंट्रोल एलिमेंट है वो क्या होता है। तो दोस्तों आपको बता दें, चलिए एक बार पहले ऑप्शंस पर नजर मार लेते हैं। ऑप्शन ए है आरटीडी यानी रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर, या फिर ऑप्शन बी प्रेशर ट्रांसमीटर, ऑप्शन सी है कंट्रोल वाल्व, और हमारा अंतिम ऑप्शन है फ्लो मीटर। दोस्तों आपको बता दें किसी भी कंट्रोल लूप का जो फाइनल कंट्रोल एलिमेंट होता है वो मोस्टली एक कंट्रोल वाल्व होता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी कंट्रोल वाल्व। तो कंट्रोल वाल्व जो है किसी भी कंट्रोल लूप का फाइनल कंट्रोल एलिमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट इज प्रिफर्ड टू मेजर हाई टेम्परेचर रेंज, अर्थात इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट हाई टेम्परेचर रेंज के मेजरमेंट के लिए उपयुक्त होता है।
हमारा पहला ऑप्शन है आरटीडी यानी रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। हमारा दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन बी थर्मोकपल। हमारा तीसरा ऑप्शन है ऑप्शन सी टेम्परेचर गेज। या फिर हमारा जो आखिरी ऑप्शन है ऑप्शन डी पायरोमीटर। तो दोस्तों इनमें से जो मोस्ट प्रेफर्ड हाई टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो है ऑप्शन बी थर्मोकपल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी थर्मोकपल। मैनोमीटर को इनमें से क्या मेजर करने के लिए यूज करते हैं? ऑप्शन ए गेज प्रेशर, या फिर ऑप्शन बी एब्सोल्यूट प्रेशर, या फिर ऑप्शन सी नेगेटिव प्रेशर, या फिर ऑप्शन डी इनमें से सभी। दोस्तों इसका सही उत्तर है मैनोमीटर को गेज प्रेशर मेजर करने के लिए यूज करते हैं नॉर्मली। तो इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए गेज प्रेशर। दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर इंसुलेशन ऑफ ए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, अर्थात इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स का इंसुलेशन मेजर करने के लिए यूज होता है? ऑप्शन ए क्लैंप मीटर, या फिर ऑप्शन बी गैल्वेनोमीटर, या फिर ऑप्शन सी करंट ट्रांसफॉर्मर, या फिर ऑप्शन डी मेगर। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मेगर। मेगर को हम इंसुलेशन मेजर करने के लिए यूज करते हैं।